द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में पूर्व राष्ट्रपति पर गोलियों की बौछार कर दी गई है, वो भी भरी सभा में। बाल बाल बचे हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और यह चौंका देने वाली खबर पूरी दुनिया को हैरत में डाल रही है कि दुनिया के ऐसे लोकतांत्रिक देश जो इतना ताकतवर भी है, वहां पर पूर्व राष्ट्रपति भी सुरक्षित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को भरी सभा में टारगेट किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल भी देखिए कि वहां डोनाल्ड ट्रंप भाषण कर रहे थे, चुनावी रैली सभा कर रहे थे, लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है और इस भीड़ के बीच ही कोई हमलावर छिपा हुआ था जिसने गोली चलाई। एक इंच के फर्क से बचे डोनाल्ड ट्रंप, नहीं तो उनकी जान चली जाती। आप इस विजुअल में देख सकते हैं कि कान के बगल से गोली छूती हुई निकल गई, उनके कान पर खून देखे जा सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही इस बात को भाप पाते, तब तक गोली चल चुकी थी। वो किसी तरह खुद को बचाते हुए नीचे बैठते हैं, पूरी भीड़ में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की जान किसी तरह बचती है। वो फिर भी गुस्से में खड़े होते हैं, उनके जो सिक्योरिटी सर्विस के एजेंट हैं वो उन्हें घेरे रहते हैं कि कहीं फिर से कोई गोली न चले, लेकिन ट्रंप काफी गुस्से में कुछ इशारे भी करते नजर आते हैं। यह विजुअल भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने अमेरिका को बहुत सालों तक संभाला। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अमेरिका के सर्वे सर्वा भी रहे और आज इनके साथ यह घटना घटी है। इसके बाद बाइडेन प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है कि ऐसे ताकतवर देश, ऐसे लोकतांत्रिक देश जहां पर ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, वहां पर इतना भयंकर अपराध हुआ है जहां एक पूर्व राष्ट्रपति को सीधे टारगेट कर लिया गया और उन पर बुलेट शूट कर दिया गया। हालांकि पलक झपकते ही डोनाल्ड ट्रंप के सिक्योरिटी में लगे जो स्नाइपर सेल होते हैं, जो स्नाइपर हैं, उन्होंने तुरंत उस हमलावर को ढेर कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसके विजुअल भी हमारे पास है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले जरा सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत हुई होगी। वो चुनावी सभा करने आए थे, क्या उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा था कि आज उनके लिए यह आखिरी दिन भी साबित हो सकता था? क्या चुनाव में ऐसे हथकंडे अब अपनाए जाने लगे हैं? किसी ने टारगेट किया था? क्या कारण था? बताया जाता है कि जो हमलावर था वो 20 साल का था, उसने पूरी प्लानिंग रची और उसके बाद टारगेट किया था। यह मामला बहुत ही शॉक देने वाला है, बहुत ही हैरान करने वाला है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बच तो गए, लेकिन वो हमलावर मौत की नींद सोया भी है। और कैसे संभव हुआ, इस विजुअल को अपने स्क्रीन पर देखिए। लोगों की भीड़ है और ऊपर छत पर बैठा आपको एक स्नाइपर दिखाई पड़ेगा जो अपने रडार पर ले रखा था उस हमलावर को, मिली सेकेंड्स में रिएक्शन दिया और तुरंत उसे ढेर भी किया है। और इस विजुअल में आप उसे अपना काम करते देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की यह वाकई में जान बचा गया, नहीं तो वो ताबड़तोड़ अगर फायरिंग कर रहा होता और कोई उसे देख नहीं पाता तो सोचिए क्या हालत होती। और डोनाल्ड ट्रंप तो बचे, साथ ही साथ वहां भगदड़ होने से भी हालात बिगड़ सकते थे, वहां भी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। कॉलिन रग हैं जिन्होंने इस विजुअल को शेयर किया है, इस पर तो करीब कहा जा रहा है कि 8 मिलियन से ऊपर का व्यूज भी आ गया है। लेकिन इसमें जरा ध्यान देने वाली बात यह है, वो कह रहे हैं न्यू फुटेज शोज स्नाइपर अपीयरिंग टू नोटिस द सस्पेक्ट जस्ट मिली सेकेंड्स बिफोर द मेन शूट एट ट्रंप। द स्नाइपर कुड बी सीन लुकिंग अप इन व्हाट अपीयर टू बी शॉक द मोमेंट द फर्स्ट बुलेट रेंग आउट। The suspect who was on top of a structure was then quickly neutralized. इन्होंने कहा है कि जो नया फुटेज आया इसमें साफ देखा जा सकता है कि स्नाइपर तो तैयार था, वो नोटिस कर चुका था सस्पेक्ट को और वो एकदम मिली सेकेंड पहले ही, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को गोली चली उसे कुछ सेकेंड पहले ही वो इस बात को भांप चुका था कि यहां पर लगता है वो कुछ करने वाला है। लेकिन जैसे उसने गोली चलाई और तुरंत स्नाइपर ने भी गोली चला दी, तभी तो उसका निशाना भी छिटका, नहीं तो शायद डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते हमारे बीच। और इस स्नाइपर को थैंक्स कहना चाहिए जो बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उस हमलावर को भांप गया था
और मिली सेकेंड पहले ही उसने भी तैयारी कर रखी थी। उसकी गोली चलने के साथ तुरंत इसने भी गोली चलाई और निशाना उनका चूक गया है। उसके बाद उस हमलावर की क्या हालत हुई है इसका एक विजुअल हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास विजुअल है, फिर दिखाएंगे कि बराक ओबामा ने भी ट्वीट किया और भारत से डॉक्टर हर्षवर्धन का भी ट्वीट गया है। ये तस्वीर, ये विजुअल आप देखिए, यहाँ लोग नीचे खड़े हैं, यहाँ से जूम कर रहे हैं और छत पे दिखाया जा रहा है। एक सैटेलाइट व्यू भी है और एक नॉर्मल कैमरा व्यू है। आप देखिए उसे जूम किया गया तो एक आपको व्यक्ति ढेर पड़ा होगा, छत पर दिखाई पड़ रहा होगा, वो व्यक्ति हमलावर है जिसे स्नाइपर ने ढेर किया है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर, बड़ा मामला कि कैसे अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति निशाने पर आ गए, किस तरीके से जापान में घटना घटी थी। आप सब जानते हैं कि यहां बहुत आसानी से स्नाइपर को खुली छूट मिल जाती है, वह चले आते हैं गोली चलाने के लिए, किसके इशारे पर आते हैं, क्या चुनाव में यह सब भी खेल शुरू हो गया है। यह मामला बेहद ही दुखद है, हैरान करने वाला है। बराक ओबामा ने क्या ट्वीट किया है वो भी देखिए आप। इनका कहना है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्लेस फॉर पॉलिटिकल वायलेंस इन आवर डेमोक्रेसी, ऑल्दो वी डोंट येट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, वी शुड ऑल बी रिलीव्ड दैट फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप वाजंट सीरियसली हर्ट एंड यूज दिस मोमेंट टू रिकमिट आवर सेल्व्स टू सिविलिटी एंड रिस्पेक्ट इन आवर पॉलिटिक्स। मिशेल एंड आई आर विशिंग हिम अ क्विक रिकवरी। 40 मिलियन लोगों ने इनके इस ट्वीट को देखा है। बराक ओबामा क्या कह रहे हैं कि अब मैं यह साफ कहता हूं, किसी भी सूरत में पॉलिटिकल वायलेंस की हमारे यहां कोई जगह नहीं है, हमारे इस लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। फिर भी हमें यह नहीं पता है कि वहां एग्जैक्टली हुआ क्या था, लेकिन हमें यह जानकर थोड़ी राहत महसूस हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ही सीरियस हर्ट नहीं हुए हैं। इसलिए अभी मौका है कि हम लोग इस मोमेंट को उस हिसाब से फिर प्रतिज्ञा लें, रिकमिट करें इस घटना को देखने के बाद कि हम अपनी राजनीति में, हमारे अपने पॉलिटिक्स में जो सिविलिटी है और रिस्पेक्ट है उसे बरकरार रखेंगे, उसे और मजबूत कर लेंगे। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी मिशेल और मैं डोनाल्ड ट्रंप के क्विक रिकवरी की कामना करता हूं। ऐसे में बराक ओबामा का यह ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप को ताकत देगा, मनोबल देगा, संबल देगा। लेकिन अमेरिका में जो चीजें घटित हुई है उसको लेकर भी बराक ओबामा ने बड़ी बातें यहां पर कह दी हैं। इससे साफ हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है, चूक है। ओबामा कहते हैं कि इस मामले में अब पॉलिटिक्स में वायलेंस की जगह अगर आई है तो इसे खत्म करने की भी जरूरत है। हम आपको इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन का एक ट्वीट दिखाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि कैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारी गई है। वो इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी में वायलेंस की कोई जगह नहीं है, हम उनके लिए स्पीडी रिकवरी की कामना करते हैं। कमोवेश या ट्वीट मिलता जुलता है सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बराक ओबामा से। डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं किसी भी रूप में, किसी भी देश में सभ्य समाज के बीच हिंसा का स्थान नहीं होता है। अमेरिका के गन कल्चर से हम सभी वाकिफ हैं, मगर इस बार खुद इसका शिकार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए हैं। हम सभी इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करते हैं और मैं डोनाल्ड ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कुल मिलाकर यही रिपोर्ट है। भरी सभा में डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियों की बौछार की गई और फिर उसके बाद वहां जो स्नाइपर थे उन्होंने ढेर किया है उस हमलावर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।